हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जर्नल की बात की थी, फिर लेजर की बात की थी, कैसे पोस्टिंग की जाती है, जर्नलाइजिंग इसको बोलते हैं, ये सारे टर्म्स हम लोगों ने देखे थे। इस चैप्टर का एक तरह से आप देखेंगे तो नाम ही है लेन देनों का अभिलेखन टू, है ना। सेकंड टू तो नहीं बोलना चाहिए इसको, सेकंड बोलना चाहिए। रोमन में जब भी हम लोग लिखते हैं ना तो वो एक तरह से नंबरिंग वाले सेंस में होता है, सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे पढ़ाना चाहिए। तो ये चैप्टर के नाम से ही समझ में आता है कि ये पिछले चैप्टर का कंटिन्यूएशन है, एक निरंतरता है ना। और जो हम लोग किस तरह से लेन देन का अभिलेखन होता है उसी की बात कर रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है किसमें, अकाउंटिंग में। और अकाउंटेंसी में वो सारी चीजें एक साथ एक चैप्टर में बहुत बड़ी हो जाती है, इसलिए तोड़ दी गई। ये चैप्टर रिलेटिवली थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान है, तो बड़े होने से कोई डरने की बात नहीं, काफी आसान है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने जर्नल की बात की थी। जर्नल क्या होता था? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसमें हम लोग प्रथम प्रविष्टि की पुस्तक कहा करते थे। अब प्रथम प्रविष्टि की पुस्तक में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में काल क्रमानुसार हर दिन में कौन कौन से ट्रांजेक्शन उनको लिखते चले जाते थे, ठीक है। कौन से खाता डेबिट होगा, फिर उसके बाद से कौन से खाते क्रेडिट होंगे, उसके बाद से उसका वर्गीकरण, फिर एक नीचे लाइन खींच देते थे, आगे अमाउंट रहता था डेबिट और क्रेडिट का, वो लिख दिया करते थे। अगर डेबिट और क्रेडिट में क्रेडिट है तो क्रेडिट में। लेकिन होता क्या है कि अगर कोई बहुत ही छोटा व्यवसाय है जिसमें बहुत कम लेन देन हो रहे हैं, तब तो वो एक ही जर्नल मेंटेन कर सकता है। मोटी सी किताब है जर्नल, उसमें खाते लिखते चले जा रहा है। लेकिन थोड़ा भी बड़ा व्यवसाय होता है ना, तो कुछ तरह के ऐसे लेन देन होते हैं जो बहुत ही ज्यादा हो रहे होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत ही ज्यादा हो रहे होते हैं। जैसे कैश में प्राप्तियां और कैश में भुगतान, कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स बहुत सारे होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उसी जर्नल को कॉन्सेप्चुअल लेवल पर एक ही है, उसी की हमने अलग अलग किताबें बना दी, छोटी छोटी सहायक पुस्तकें बना दी। क्या बना दी? सहायक पुस्तकें। जर्नल एक ही है। अब समझ लीजिए कि जर्नल इतना था, बहुत थोड़ा व्यवसाय बड़ा हो गया तो इतना मोटा जर्नल कर दिया, उसी में से कुछ पेजेस निकाले एक साथ, उनको लिए हमने बोल दिया कि ये कैश बुक हो गया। ऐसे हम लोग परचेजेस की बुक बना देते हैं। देखो, कोई भी व्यवसाय है, कितने सारे कैश के ट्रांजेक्शन होते हैं यार, है ना, लेना देना जो भी हो रहा है, तो वो उसके लिए हमने एक बना दिया। अब देखो, जर्नल में अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, जर्नल एक तो बहुत हैवी हो जाएगा, प्लस कैश के बहुत सारे ट्रांजेक्शन के बीच में परचेजेस का भी कोई ट्रांजेक्शन आ गया, फिर परचेजेस रिटर्न यानी कि क्रय वापसी, आपने किसी से खरीदा था आपने उसको सामान वापस कर दिया, फिर उसमें बेचने वाला भी आ गया, तो वो थोड़ा सा हैफजार्ड मैनर में हो जाता है। और ज्यादा एंट्रीज होने के बाद में क्या हो जाता है कि उसको आप एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं कर पाते उस इन्फॉर्मेशन को। तो इस वजह से कारण क्या आता है, कारण समझ लो। सबसे पहले तो इन्हीं जो हम बनाते हैं इन्हीं को सहायक पुस्तकें भी बोलते हैं, स्पेशल जनरल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेशल जनरल्स। और क्यों बनाया जाता है? क्विक एंट्री हो जाती है, त्वरित हो जाती है, कुशल होती है, दक्ष होती है, एफिशिएंट बोल सकते हैं इसको, विशुद्ध मतलब एरर्स कम होती है। तो अगर आप अलग अलग मेथड ले जाते हो तो सारे कैश ट्रांजेक्शन आपको एक जगह दिख जा रहे हैं। और कैश बुक का बहुत बड़ा बेनिफिट यह भी होता है कि अगर आप कैश बुक बनाते हो ना, तो ना ही आपको कैश जर्नल में एंट्री करने की जरूरत है, क्योंकि जर्नल का एक हिस्सा है। आप समझ रहे हो, जर्नल बड़ी बुक थी, उसमें आपने कुछ पेजेस निकाल करके उसको कैश बुक बोल दिया ऐसे मान लो। अब वो जो कैश बुक है तो जर्नल में ही कर रहे हो, बस एक कॉपी अलग हो गई, आइडिया तो वही है, कॉन्सेप्ट तो वही है। लेकिन साथ में कैश बुक का एक फायदा ये होता है कि आपको कैश अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत भी नहीं है। जो लेजर है, जो खाता बही है, वहां पर भी रोकड़ खाते बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। और अभी हम लोग इसी में थोड़ा और बात करेंगे रोकड़ बही में। तो रोकड़ बही को हम लोग दो तरह की होती है, एक होती है सिंगल कॉलम जिसको हम लोग बोलते हैं एक स्तंभीय, और एक होता है दो कॉलम वाली जिसको बोलते हैं द्विस्तंभीय। तो द्विस्तंभी जब होता है तो हम लोग बैंक खाता भी नहीं मेंटेन करते हैं, ठीक है। अब उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, बहुत आसान होता है। देखो, सिंगल स्तंभ में मैं बता दे रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ जो हमारा कैश में, सिर्फ नगद में, पैसे में लेन देन जो है करेंसी में हो रहा हो, तो उसमें क्या होता है, सिंगल कॉलम होता है, एक ही कॉलम बना होता है कैश का। लेकिन आजकल होता यह है कि ट्रांजेक्शन बहुत सारे बैंक से भी हो रहे होते हैं, तो रोकड़ के साथ साथ बैंक का भी अगर आप कॉलम बना देते हो तो फिर बैंक खाता मेंटेन करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये हमारा काम काफी कम कर देता है, हमें पहले से ही चीजें ऑर्गेनाइज लेवल पर देखने लग जाती हैं। अच्छा, तो ये कारण हो गया। और ये मैंने किसके बारे में बताया, कैश बुक के बारे में बताया, बाकी का थोड़ा सा अलग सीन रहेगा, लेकिन आप समझ लीजिए कि सभी क्या है, उसी जर्नल का हिस्सा है। अलग अलग एक एक स्पेशल तरह का जर्नल एक स्पेशल तरह के काम के लिए है, इसलिए उसको स्पेशल जर्नल भी बोल देते हैं। और ये होता इसलिए है क्योंकि कई व्यावसायिक सौदों की प्रकृति की पुनरावृत्ति होती है, बहुत ही रिपीटेटिव होते हैं नेचर में, है ना। बहुत बार आप सामान खरीदोगे तो सामान खरीदने 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 वाला हमने सब एक जगह नोट कर लिया, सामान खरीद करके जो हमने वापस किया है तो उसको बोलते हैं क्रय वापसी। क्या बोलते हैं? क्रय वापसी। ये रोजनामचा का हिस्सा है, इसलिए रोजनामचा लिखा हुआ है, आर के बाद डॉट लगा दिया है वो लिख करके पुस्तक। तो ये
परचेसेस रिटर्न बुक बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। और ये सब मैंने इंग्लिश में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि बहुत ही कॉमन टर्म्स हैं, कैश बुक, परचेसेस बुक, परचेसेस रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक और जर्नल प्रॉपर, ठीक। अब जर्नल प्रॉपर क्या होता है, तो देखो अभी तो हमारा हो गया खरीदा हमने, तो बहुत सारी चीजें आप खरीदते रहते हो, अब व्यवसाय कर रहे हो, फिर बेच रहे हो, तो आप बेचने वाला आ जाएगा आपका विक्रय पुस्तक में, कई चीजें बेचोगे जो खरीदोगे, ठीक। तो सेल्स बुक भी हम सब एक जगह पर जर्नल एंट्री कर देते हैं, फिर खरीदने वाले को जब आप वापस करते हो तो उसका हो जाता है परचेसेस रिटर्न, है ना, क्रय वापसी, और बेचने वाले का जब आप वापस करते हो तो हो जाता है विक्रय वापसी। तो ये ऐसी पुस्तकें हैं जो बहुत ज्यादा कॉमन होती है, जिसमें बहुत सारी एंट्रीज होती हैं, तो इसलिए हम इनको अलग तरह से मेंटेन कर लेते हैं अलग अलग। अब कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो इन सारी कैटेगरीज में नहीं आती, वैसे भी तो लेन देन होंगे बहुत सारे, ना आपने खरीदा है, ना आपने बेचा है, ना आपका कैश में कोई ट्रांजेक्शन हुआ, तो जब वो सारी चीजें हो रही होती हैं तो उसको हम लोग, जो हमारा जर्नल बच गया, तो हमने क्या किया था, जर्नल एक मोटी सी किताब थी, उसमें से कुछ पेजेस को निकाल करके रोकड़ भाई बना दिया, कुछ पेजेस को निकाल करके क्रय पुस्तक बना दिया, कुछ को निकाल करके क्रय वापसी बना दिया, कुछ को निकाल करके विक्रय बना दिया, कुछ को निकाल करके विक्रय वापसी बना दिया, पांच बना दिया। अब जो पेजेस बच गए वो तो जर्नल का हिस्सा रह गया, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं जर्नल प्रॉपर, क्या बोल देते हैं, मुख्य रोजनामचा, ठीक, क्योंकि अभी भी वो रह गया है। तो जैसे ऐसे लेन देन जिन लेनदेनों का अभिलेखन हम अभिलेखन किसी और पुस्तक में नहीं कर पाते, जो सहायक पुस्तक हमने बना दिए हैं पेजेस निकाल निकाल के, क्योंकि उस तरह की कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं इसलिए वहां पे अभिलेखन नहीं करेंगे, तो उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, उनको हम लोग कर देते हैं सीधा का सीधा जर्नल प्रॉपर में, ठीक। आगे बात समझ में, अच्छा यही सारी चीजें हम लोग अपने इस चैप्टर में देखने वाले हैं, कौन सी, ये किस किस तरह की पुस्तकें हैं, फिर इनसे पोस्टिंग कैसे होती है, थोड़ा सी चीजें अलग हो रही होती है जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर पढ़ा हुआ, तो उसी का कंटिन्यूएशन में, तो कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है, बहुत आसान है। अच्छा अब यह समझ लीजिए आप कि एक ही प्रकार के लेन देनों का अभिलेखन होता है, एक ही तरह की पुस्तक में हो जाता है, ये इसका फायदा मिलता है, तो हम लोगों ने ये चार चीजें समझ ली। अब रोकड़ के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो मैंने बता भी दिया था, बट फिर भी जितनी भी नगद प्राप्तियां और भुगतान होते हैं वो सारे के सारे हम इसमें लिख देते हैं। फिर हस्तस्थ रोकड़, हस्तस्थ रोकड़ क्या होता है, कैश इन हैंड या फिर कैश एट बैंक, तो उसको हम लोग बोल देते हैं हिंदी में बैंकस्थ रोकड़। तो इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्रारंभिक शेष हमारा यही होता है, ठीक है। तो प्रारंभिक शेष कैसा होता है, इसी का अभी मैं आपको फॉर्मेट बना के दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और नॉर्मली कैश बुक जो है ना वो हर महीने ही बनाई जाती है, ठीक, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं तो एक महीने में काफी भर जाती है, तो इसलिए कैश बुक नॉर्मली हम लोग हर महीने में बनाया करते हैं। और ये हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन, चाहे छोटी सी दुकान हो चाहे बड़ी दुकान हो, क्योंकि इतना कॉमन है, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है भाई कैश का लेन देन, बैंक से भी हो सकता है, कैश से भी हो सकता है, लेकिन दोनों ही कैश बुक में आते हैं, तो बहुत ही कॉमन होती है। छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा है, नॉट फॉर प्रॉफिट है, मतलब इसको बोलते हैं क्या, अलाभकारी संस्था है, लाभकारी संस्था है, कैसा भी है, सारे लोग ही इसको बनाते हैं, तो इसको ऑलमोस्ट इंडिस्पेंसेबल माना जा सकता है। कि ऐसा नहीं हो कि हम जनरल ही मेंटेन करेंगे, जनरल में कैश बुक तो नॉर्मली लोग अलग कर ही देते हैं, बाकी भले ही सहायक पुस्तकें ना यूज करें, कैश बुक को नॉर्मली कर लेते हैं, तो लगभग वो हमेशा ही होगा। इंडिस्पेंसेबल मतलब होता है जिसको आप छोड़ नहीं सकते हो, तो ऑलमोस्ट मतलब लगभग ऐसा इसको छोड़ा नहीं जा सकता, इसको हम लोग बनाते ही हैं। और ये इंपॉर्टेंट चीज थी कि जब आप कैश बुक बना लेते हो ना, तो ना ही आपको कैश बुक का जनरल मेंटेन करने की जरूरत, जनरल में एंट्री नहीं करो, क्यों, जनरल प्रॉपर का ही तो हिस्सा है, सॉरी जनरल का ही हिस्सा है, तो जनरल प्रॉपर अलग रह गया, और जनरल का हिस्सा था तो अलग से क्यों लिखोगे। साथ में हम इसमें अकाउंट भी नहीं बनाते हैं, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब अकाउंट नहीं बनाते हैं तो हम लोग पोस्टिंग कैसे करेंगे, और पोस्टिंग क्या होती थी याद करो, जर्नल से जब हम लोग लेजर में कोई चीज ले जा रहे होते थे, लिखते थे, तो उसको पोस्टिंग बोलते थे। जब हम लोग रोजनामचा से खाता बही में कुछ ले जा रहे होते थे, तो हम लोग उसको खतौनी बोलते थे, ठीक। तो वो कैसे होगी उसको भी हम देख लेंगे। तो ऐसा करते हैं, इसका फॉर्मेट और देख लेते हैं एक बार। और उसमें दो तरह की बुक्स होती है, मैंने बताया था दो तरह के प्रकार होते हैं रोकड़ बही के, एक होता है सिंगल कॉलम, एक होता है डबल कॉलम। सिंगल कॉलम को अभी देख लेते हैं, डबल कॉलम को हम आगे के वीडियोस पे देखेंगे। तो सिंगल कॉलम का कैसा फॉर्मेट होता है उसको देख लेते हैं, तो आपको काफी आइडिया लग जाए। अब रोकड़ बही की जो बात कर रहे थे, तो उसमें दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है एक स्तंभीय रोकड़ बही का, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। इसका प्रारूप क्या है उसको देख लेते हैं, फिर इसी पर बेस्ड एक उदाहरण देखेंगे ठीक से, तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगी। ये आपका डेबिट पक्ष है और वो आपका क्रेडिट है, नाम और जमा, ठीक। ये बीच में आप यहां से डिवाइड कर देते हो, है ना। अब क्या है, पहले आप तिथि लिखोगे, क्योंकि जर्नल वाला भी सीन होता है और अकाउंट्स में भी हम लोग इसी तरह काम करते हैं, तिथि आ जाएगा। फिर पर्टिकुलर से यानी कि विवरण। अब कैश बुक जो है वो एक तरह से आपका कैश अकाउंट का काम भी कर रही होती है, और आपको पता है कि कैश अकाउंट एक तरह की परिसंपत्ति है, एसेट है, तो अगर परिसंपत्ति बढ़ती है तो आप उसको डेबिट करते हो। तो इसीलिए यहाँ पे जब रिसीट्स आती हैं, जब आपको प्राप्तियां हो रही होती हैं, देखिए हिंदी में ऐसे लिखेंगे तिथि विवरण और विवरण प्राप्तियां, तो जब प्राप्ति हो रही होती है तो हम लोग डेबिट पक्ष में लिखते हैं, तो देखिए डेबिट साइड, इसीलिए इस तरफ प्राप्तियां हैं। और अगर भुगतान करना होगा, यानी कि कैश कम हो गया, यानी कि आपकी एक परिसंपत्ति कम हो गई, इसलिए उसको क्रेडिट करना होगा, तो जो क्रेडिट साइड है वहां पे हम लोग पेमेंट्स लिखते हैं, ठीक।
तो क्या हो गया, सिंपल है, डेट, पर्टिकुलर्स, फिर ये लेजर फोलियो यानी कि खाता बही संख्या। तो ये कब करते हैं, जब लोग पोस्टिंग का टाइम होता है तब कर रहे होते हैं, है ना। ये वाला कॉलम अदरवाइज छोड़ दिया जाता है, पोस्टिंग के टाइम पर किया जाता है। फिर अमाउंट कितना है, और अगर आप रुपए में इकाई मान रखा है तो आप रुपए लिख दीजिए, 1000 रुपए में कर रखिए इकाई तो आप 1000 कर दीजिए। अच्छा, फिर ये डेट हो गई, पर्टिकुलर, दोनों साइड एग्जैक्टली सेम है, कुछ अलग नहीं है। अब इसी में आप नीचे ऐसा करके एंट्री करते चले जाओगे, ठीक है, यहां से ऐसे ही नीचे बन जाएगा और आप इसमें एंट्रीज करते जाओगे, ठीक, समझ गए। तो ये हमारा एक प्रारूप है, इसी पर बेस्ड एक उदाहरण देखते हैं, तो वहां से आपको चीजों का आइडिया लग जाएगा। तो अगले वीडियो में देखेंगे बाकी, पहला इस चैप्टर का पहला वीडियो है, लेकिन ये तीसरे चैप्टर का कंटिन्यूएशन में आप मानिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आपको पूरी जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है एक्जैक्टली कैसे काम होगा वो समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिए और बाकी लोगों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।